नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेडमी का फ्लैश सेल में मोबाइल नहीं खरीद पाते हो तो आज के ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक फ़ोन लॉन्च किया था शाओमी, जो कि आपका रेडमी का नोट 6 प्रो है, जो कि नोट 5 प्रो का एक अपग्रेडेड वर्सन है, तो काफ़ी अच्छा है। तो उसको अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप सोच रहे थे कि फ्लैश सेल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कैसे मतलब कैसे बाई करें, लेकिन यहाँ जो शाओमी की तरफ से एक न्यूज़ निकाला गया है, मतलब शाओमी ने बताया कि इस बार जो इंडिया में वो जो लॉन्च कर रहा है तो ये लगभग 6 लाख मोबाइल्स एक साथ लॉन्च करने वाला है। मतलब आपको जो मतलब आप इससे पहले अगर कहीं फ्लैश सेल में कोई भी मोबाइल शाओमी का ख़रीदते थे तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था कुछ ही सेकेंड में या फिर कुछ ही मिनट में। ठीक है, तो इस बार ये होने वाला नहीं है, क्योंकि शाओमी को भी मतलब उसको पता चल गया है कि ये जो फ़ोन्स है काफ़ी ज़्यादा बिकता है और काफ़ी तेज़ी से बिकता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा आपका जो स्टॉक लाया है। ठीक है, तो नोट 6 प्रो का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है आपको तो पता ही होगा कि 6.25 इंच का डिस्प्ले है, 1080x2880 इसका नॉच टच स्क्रीन है। ठीक है, तो ये 13,999 रुपये में आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा है। आपको 20 मेगापिक्सल का मेन सेल्फी मिल जाता है, डुअल सेल्फी मिल जाता है। ठीक है, और 4,000 mAh का बैटरी मिल जाता है। एंड्रॉयड 8.1 ऊपर बेस्ड जो 9 MIUI 9 है वो भी आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और यहाँ देखिए, जो कि फ्लिपकार्ट में ऐसा एड्स दिखाया जा रहा है कि 6 लाख से ऊपर जो स्टॉक वो लोग ला रहा है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा भी सोचता है कि हमारा फ़ोन ज़्यादा बिकता है तो ज़्यादा स्टॉक में भी लाना चाहिए। तो एक जो रेगुलर कस्टमर है तो उसके लिए भी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, कस्टमर के लिए भी एक कंपनी सोचता है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज़ है काफ़ी इम्प्रेसिव है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि शाओमी भी ये सोचता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि रेडमी का जो नोट 6 प्रो है उसके साथ मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूं, तो अगला एक वीडियो में आपको बता देंगे कि रेडमी का जो नोट 6 प्रो है वो मतलब रियलमी का जो 2 प्रो है उसके साथ कैसा मतलब क्या कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा ये प्राइस रेंज में ये दोनों फ़ोन में से कौन सा आपको लेना चाहिए, 4 GB का वेरियंट भी लेना चाहिए तो किसी का लेना, मतलब ओवरऑल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास का बेल आइकन को भी हिट कर दें, और मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसा वीडियो आपको चाहिए कि नहीं जो मैं बताया। ठीक है, तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।